आप सबको अरविंद केजरीवाल जी की अगुवाई और नेतृत्व में आम आदमी पार्टी ने 10 वर्षों में जो सफर राष्ट्रीय पार्टी बनने का तय किया है उसके लिए बहुत बहुत बधाई। पूरे देश की जनता को बधाई, खास तौर से गुजरात की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार कि आज देश की सबसे तेजी से बढ़ने वाली पार्टी आम आदमी पार्टी को गुजरात की जनता ने अपना आशीर्वाद देके, अपना वोट देके 10 वर्षों में यह सौभाग्य दिया कि आम आदमी पार्टी आज राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। लगभग 35 लाख से ज्यादा वोट गुजरात में अब तक आम आदमी पार्टी के खाते में आ चुके हैं, जो हम लोग अभी रिजल्ट देख के आ रहे थे। साथियों और दोस्तों, कई लोग इस परिणाम को अलग अलग दृष्टि से देख सकते हैं। आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ने बहुत मेहनत की गुजरात के अंदर, आम आदमी पार्टी के संगठन ने दिन रात मेहनत करके काम किया, अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में बहुत अच्छे ढंग से हम लोग चुनाव लड़े, घर घर गए, गांव गांव गए प्रचार के लिए। लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की प्रयोगशाला कही जाती है गुजरात, मोदी और अमित शाह जी का गढ़ कहा जाता है गुजरात, 27 साल का किला था भारतीय जनता पार्टी का। अगर उस किले को भेदने का काम किसी नेता ने किया है तो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने किया है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को इसके लिए बधाई देना चाहता हूं। ठीक है, कोई भी पार्टी चुनाव हारने के लिए चुनाव नहीं लड़ती। हमने मेहनत किया, परिश्रम किया, अपनी बात लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की और परिणाम स्वरूप गुजरात की जनता का आशीर्वाद और वोट आपकी झोली में इतना वोट मिला कि जो राष्ट्रीय दल बनने का गौरव आज आपको हासिल हो रहा है वो गुजरात की जनता की बदौलत हासिल हो रहा है। इसके लिए उनका आभार करना है। पूरे देश के कार्यकर्ता आज उत्साहित हैं, पूरे देश की कार्यकर्ताओं के मन में खुशी है और इसका जश्न मनाइए। आप सोचिए कहां से हमने सफर शुरू किया था। जब हमने 10 साल पहले इस पार्टी का गठन किया तो लोग कहते थे दिल्ली में कितनी सीटें जीतेंगे, 5 जीतेंगे कि 2% आएगा कि 1% आएगा। एक बार दो बार नहीं, 3-3 बार दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई और आम आदमी पार्टी का परचम लहराया। पंजाब में हम गए, पहली बार 20 सीट आई और दूसरे चुनाव में प्रचंड बहुमत से आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में बनी। गोवा जैसे सुदूर राज्य में गए, वहां भी आम आदमी पार्टी ने खाता खोला, 2 सीटें मिली। और गुजरात जो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ कहा जाता है, उस गुजरात में गए तो वहां की जनता ने आपको राष्ट्रीय पार्टी बना दिया। 35 लाख वोट अभी तक मिल चुके हैं और 2 सीटों के परिणाम भी आपके पक्ष में आ चुके हैं। 2 सीटें अब तक आप लोग जो परिणाम आया उसमें जीत चुके हैं। तो इसलिए लोगों का आशीर्वाद, लोगों का प्यार, लोगों का इतना मत आपको क्यों मिल रहा है? क्योंकि दिल्ली में जनता के लिए काम करके अरविंद केजरीवाल जी ने दिखाया। पंजाब में हमारी सरकार ने 1 जुलाई से जब बिजली फ्री की तो 63 लाख परिवारों का 0 बिजली का बिल आया है पंजाब में। आज जो एमसीडी के चुनाव में जहां 15 साल से भारतीय जनता पार्टी का गढ़ था, 15 साल से भारतीय जनता पार्टी का किला था, उस किले को अरविंद केजरीवाल जी ने कल जब एमसीडी का परिणाम आया तो उस किले को ध्वस्त करने का काम किया।